हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने रूफ फैशन प्लस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही सुंदर सी स्लिप डिज़ाइन, जो दोस्तों बहुत ही बनाने में आसान है, देखने में बहुत सुंदर है। आप हमारी वीडियो एक बार देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आइकन के निशान पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमने अपने यहाँ पर आस्तीन कटिंग कर ली है, जिसकी हमने लंबाई ली है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर कटिंग करी है 14 इंच, 14 इंच आस्तीन कटिंग करी है, और इसकी जो हमें लंबाई चाहिए वो चाहिए कम से कम 19 इंच। आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस आस्तीन को उठा के यहाँ रख देते हैं। हम सबसे पहले इसका मुंह नापते हैं कि हमने इसका मुंह कितना रखा है। तो दोस्तों, इसका मुंह है 12 इंच और हम इसका मुंह कंप्लीट रखना है हमें 11 इंच। तो हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरह। उसके बाद में हमें इस आस्तीन को अपनी उठा के एक तरफ रख देना है इस तरह, और रखने के बाद में हम अपने इस रेड कलर के कपड़े को यहाँ पर इस तरह बिछा लेंगे। अब जैसे कि हमारी आस्तीन का जो हमने मुंह नापा था, वो नापा था 12 इंच, तो हमें यहाँ पर चाहिए हैं करीब 13 इंच, अपना मार्जिन से अलग मार्जिन लगा के चाहिए हमें 14 इंच इस तरह। देखो, यहाँ 14 है और हमें पक्का जो अंदर सिलाई करने के बाद हमें कंप्लीट चाहिए, वो चाहिए 13 इंच। उसके बाद में चौड़ाई लेना है, वो लेना है 7 इंच, और जो इस साइड में हमें लेना है वो लेना है 4 इंच, मतलब यहाँ पर 7 इंच, यहाँ पर 4 इंच, ठीक है। और हम यहाँ से इसको निशान लगा लेंगे कुछ। तो दोस्तों, हम इस तरह यहाँ पर लगा लेंगे निशान इस प्रकार। ये जो हम स्लिप्स डिज़ाइन बना रहे हैं, ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, मगर ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर हम इस तरह निशान लगा देंगे और एक निशान लगा देंगे हम यहाँ पर। अब दोस्तों, हमें यहाँ आधे इंच मार्जिन से इसे एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है इस तरह। तो दोस्तों, ये कपड़ा जो है हमारा वो डबल है, इस तरह आपको डबल रखना है और यहां से कटिंग कर लेंगे। और ये पल्ला जो है हमारा सीधा है, हमने औरे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि चढ़ाने में परेशानी होगी। अब इसको हम ये साइड इसकी कटिंग कर लेंगे, क्यों हमारा मुंह इधरी से खुलने वाला है इसका, इस तरह। अब हमारी ये आस्तीन यहाँ पर कट चुकी है, जो हमें इस तरह इस पे फोल्ड करना है कुछ इस प्रकार, मतलब करीब 1-1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा इस पे चढ़ा लेना है। अब हमें इसको थोड़ा भारी करने के लिए, यानी इसको मोटा करने के लिए और ज़्यादा फिनिशिंग लाने के लिए, हम अपने यूज़ करेंगे कुछ पेपर फोम का इस तरीके से। हमें पहले प्रेस कर लेंगे हल्की हल्की, इससे ऊपर ऊपर इस तरह से हल्की से उठा के प्रेस करना है आपको। ज़्यादा दबा के प्रेस कर दो, चिपक जाएगी कपड़े पे इस तरह से। और इसको हम रखेंगे इस तरह, इस तरह रख के, और इसको हम चिपका लेंगे पहले। अब हम इसको कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों, इसी तरह हमने अपनी इधर वाली साइड चुपका लिया है। अब हमें अपनी डबल आस्तीन बनाना है, यानी कि एक कुर्ती की दो आस्तीन जो हम बनाएंगे। तो हमारा ये इधर उल्टे का निशान है और इधर उल्टे का निशान है, तो हमने इधर अपनी पेपर फोम चुपका ली है और इधर भी हम अपनी पेपर फोम इसी तरह चिपका लेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको एक स्लिप्स एक डेमो पीस के तौर पर बना के दिखा रहे हैं। तो हमें इसीलिए हमने इसको चिपका लिया, इस वाले पीस को हम हटा लेते हैं,
और इसको हम करेंगे अपने अस्तर की जगह इस्तेमाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पेपर फोम चिपक चुकी है, तो यहाँ हमने इसको चिपका लिया है और ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन आने वाला है। चलिए दोस्तों हम अपनी मशीन पर चल के और इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली है और अपनी इस दोनों तीनों साइडों में सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड में हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे और हमारी जहाँ कोने हैं इसका हम मार्जिन कर देंगे कटिंग इस प्रकार, जिससे हमारी नोके मोटी ना हो। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने पलट लिया है, पलटने के बाद में अब इसको हम प्रेस से अच्छे तरीके से जमा लें क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको प्रेस से बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, क्योंकि प्रेस से सेट करना हमारा इसलिए है ज़रूरी कि हमें इसके ऊपर कोई भी सिलाई नहीं लगाना है जो सिलाई बाद को ऊपर से दिखे। अब हमें इस तरीके से इस पर अपने आस्तीन के नाप के अनुसार इसको बंद कर लेना है। तो दोस्तों हमें सेट करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों हमें इस तरीके से पहले बीच सेंटर में इसको इस तरह रखना है। सबसे पहले हम अपने बीच सेंटर का यहाँ पर लगा देंगे निशान इस तरीके से, उसके बाद में बी सेंटर से हमें इस तरीके से रखना है और ये वाला हिस्सा इधर चढ़ा देना है, मतलब छोटा हिस्सा बड़े हिस्से के ऊपर चढ़ाना है। और हमें अपनी आस्तीन का जो 11 इंच हमने मुंह यहाँ पर नापा था 11 इंच, उसको इस तरह रख के देख लेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सेट है। अभी ये हल्का सा बड़ा है, इसका मतलब हमें हल्का सा इसके ऊपर और चढ़ाना है इस तरह। अब हमारा यहाँ पर आप चाहें तो नाप सकते हैं, तो इस तरह आस्तीन रख के भी इसे चेक कर सकते हैं। अब इसको हम अपनी प्रेस से यहाँ पर जमा लेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुका है और ये यहाँ पर हमारी आस्तीन बिल्कुल सेम बराबर है। अब हमें सब क्या करना है, सबसे पहले इस आस्तीन को कर देना है बंद यहाँ से इस तरह। तो दोस्तों हमें एक आलपिन का यहाँ इस्तेमाल करना है इस तरीके से। आप चाहें तो आलपिन ना हो तो अपनी सुई की मदद से भी यहाँ टांका लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये पीस यहाँ पर जम जाए अच्छी तरीके से और इसको आस्तीन कर लेंगे यहाँ पर बंद। आस्तीन बंद करने के बाद में इसको हम कर लेंगे सीधा, इसको हमने पलट लिया है और पलटने के बाद इसको इस तरीके से, मतलब कि जॉइंट जो है वो इसका बीच में रखना है इस तरीके से। अब हम अपने इसको इस तरह सही तरीके से बिठा लेंगे यहां पर। तो दोस्तों हमें अपने इसके पीछे के सेंटर में जो बीच सेंटर का हमने निशान लगाया था हमने चौक से, तो यहां पर हम लगा लेंगे कट इस तरह। वो कट हमें इसलिए लगाना है कि हमारा जो जॉइंट है इस जॉइंट से हम इसको मिला लेंगे इस कट को इस तरह। तो हमें जो हमारा बीच का जॉइंट है और ये अपना कट है इसको इस तरह रखेंगे और रखने के बाद में इस तरह अपनी आस्तीन को खोलेंगे और इस कट को, यहाँ अपने जॉइंट है इस जॉइंट को हम इस तरह मिलाने के बाद में और आस्तीन को करेंगे इस तरह, यहाँ पकड़ लेंगे अच्छी तरीके से। और हम इसको चढ़ाते चले जाएंगे इस तरह।
पहले हम इसके जॉइंट और अपने कुटका जो है इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जो हमारा सेंटर आउट ना हो। इस तरह देखो, ये हमारे यहाँ पर जॉइंट है, इस जॉइंट को तला ऊपर है, तो तला ऊपर ऐसे ही आना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे हम अपना कोई भी मतलब ओवरलॉक वगैरह कर लेंगे, जिससे कि धागे वगैरह ना निकलें। अब हमें इस अपनी आस्तीन को पलट लेना है। अब पलटने के बाद इस पे हम कर लेते हैं पहले प्रेस। तो दोस्तों, यहां पर हमने अपनी प्रेस से अपनी स्लिप्स को अच्छी तरह से जमा लिया है। अब हम इसकी अपनी आलपिन निकाल देंगे, और आलपिन निकालने के बाद में हम यहां पर अपने चौक से लगा देंगे अपने बटनों के निशान इस तरह, और यहाँ पर अपनी हाथ की सुई की मदद से या अपनी ग्लू गन की मदद से हम लगा रहे हैं इस तरह। आप इसको बटन को चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने तीन बटन चिपका लिए हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और आपको अगर उसको सीखने में परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो नए डिज़ाइन के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।